हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग का मराठी का जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लेकर आ गया हूँ। देखोगे यहाँ पे 13 तारीख आज का ही पेपर है, आप लोग का भी पेपर ये आ सकता है आप लोग के स्कूल में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, अच्छी तरीके से वीडियो देखना और चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप लोग देखोगे 80 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का होता है। सबसे पहले किस तरीके से आता पेपर वो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे प्रश्न पहला अ रहता है, प्रश्न पहला अ रहता है, उसमें पुढ़ मतलब आप लोग को पैराग्राफ दिया रहता है, मतलब पुढ़ील उत्तरांचा आधारे दिलेला सूचना अनुसार कृति करा, मतलब सिंपल से एक 7 नंबर के लिए रहता है ये पैराग्राफ। इस तरीके से दिया रहेगा आप लोग को और इसी पैराग्राफ में से आप लोग को चुन के आंसर लिखना रहेगा आप लोग को ढूंढ के। इसमें इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन रहता है, देख रहे हो आकृति पूर्ण करा आप लोग, इस तरीके से आप लोग चौखटी पूर्ण करा, सहमत सहमत अपने मन से लिखना रहता है, 100% आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप लोग सहमत अगर लिखते हो तो उसके बाद आप लोग देख रहे हो नीचे आप लोग का फिर से वही पैराग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को मराठी समझना है और पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर लिख रहे हो तो अच्छे से आप लोग का नंबर कैरी कर सकते हो। इस तरीके से एक पैराग्राफ होगा। अब मैं दूसरा आप लोग को इसी में से दिखाता हूं इसमें क्या क्वेश्चन दूसरे में आ में पूछा गया है। देख रहे हो यहाँ तक आप लोगों को पैसेज दिया गया पूरा पैराग्राफ, आप लोगों को बस क्या करना अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़ना है और आंसर लिखना। देख रहे हो इसमें भी एक्टिविटी के थ्रू पूछा गया है क्वेश्चन, एक एक नंबर का। सहमत हमेशा 3 नंबर के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा सहमत, 100% आप लोगों को वही पैराग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ना है और आंसर देना है। अब आता है आप लोग को अपठित गद्य, मतलब अपठित ये आप लोग के बुक का नहीं रहेगा, ये बाहर से पैराग्राफ दिया रहता है। इस तरीके से आप लोग को दिया रहेगा अच्छे तरीके से इसी से ढूंढ के आप लोग को पैराग्राफ में से लिखना रहेगा। तो आप लोग को और मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या चीज़ कैसे आता है पेपर में। तो आप लोग देख रहे हो विभाग दूसरा पद विभाग आ जाता है, उसमें आप लोग प्रश्न दूसरा दिया रहता है, उसमें आप लोग को इस तरीके से कविता दिया रहेगा, 8 नंबर के लिए रहेगा आप लोग को। उसमें भी एक्टिविटी पूछा रहेगा, एक एक नंबर के लिए आप लोग को पूरा करना रहता है। देख रहे हो इसमें भी एक्टिविटी के माध्यम से दिया रहा और काव्य सौंदर्य देता है, मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा एक लाइन उसका मीनिंग आप लोग को लिखना रहेगा, मतलब उसका अर्थ लिखना रहेगा। 3 नंबर के लिए इसमें भी पूछा जाता है। उसके नीचे आप लोग देखोगे एक अप्रिसिएशन आप लोग जानते रहोगे आता है, इंग्लिश से अप्रिसिएशन आता है, उसी तरीके से इसमें भी आप लोग को दिया रहता है। में देख रहे हो दो चीज योगी दिया है और एक अवसर दिया है, अवसर इसका आप लोग को कविता का नाम लिखना है प्लस उसमें क्या तुमको अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है सेम आप लोग को उसी तरीके से करना रहेगा। 8 नंबर के लिए आप लोग का आता है। उसके बाद आप लोग स्थूल वाचन आता है, जो आप लोग का पूरा पाठ खत्म हो जाता है तो लास्ट में स्थूल वाचन दिया रहता है, उसमें आप लोगों का विभाग तीसरे में आता है। इसमें से आप लोगों को कोई दो करना रहता है 3 दिया रहता है तो आप लोग दो दो तीन तीन नंबर आसानी से मिल जाता है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या चीज आता है पेपर में। अब आप लोग का आता है विभाग जो चौथा है 4 है, उसमें आप लोग का सिंपल सा बहुत ईजी आता है भाषा अभ्यास, मतलब सिंपल से इसमें छोटा छोटा ग्रामर दिया रहता है आप लोग को लिखना रहता है। देख रहे हो इस तरीके से दिया गया बहुत ईजी है, बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप लोग अगर किए तो 100% आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। देख रहे हो आप लोग पूरा। अब आता है पांचवा विभाग जो आप लोग का उपयोजित लेखन रहता है, आप लोग का 6 नंबर के लिए 2 लेटर रहता है, उसमें पत्र लिखा रहता है आप लोग को दोनों में से एक करना रहेगा। मैं पहले बताता हूँ आप लोग को ए वाला आप लोग पत्र लिखो, अभिनंदन वाला कभी भी नहीं करने का क्योंकि वो रिलेशन में किसी को भेजते हैं, इसके लिए ये चीज़ नहीं करने का, उससे नंबर कम मिलता है। तो और मैं आप लोग को बताता हूँ क्या चीज़ आता है। अब देख रहे हो उसके नीचे आप लोग का दिया रहता है, उसी में आप लोग का उपयोजित लेखन में आप लोग का सारांश लिखना रहता है, आप लोग का कोई गद्य विभाग का ई वाले प्रश्न पहले का ई में आप लोग का छोटा सा सारांश मतलब समरी जैसा लिखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को देख रहे हो इसमें जाहिरात लेखन आता है, बातमी लेखन आता है, कथा लेखन आता है, सब कुछ आप लोग को आता है। तो उसके नीचे आप लोग देखोगे लेखन कौशल्य आता है आप लोग को, इसमें से भी आप लोग को कोई भी दो करना एक करना रहता है, मतलब एक करना रहेगा 3 दिया रहेगा। तो देख रहे हो बहुत ईजी है, आप लोग अगर ये कर देते हो तो 100% अच्छा नंबर मिल सकता है। उपयोग हुआ झाड़ का किस लिए उपयोग होता है, मानवीय जीवन में क्या है उसका उपयोग महत्व क्या है, सब कुछ अच्छे से आत्मवृत्त मतलब उसका आत्मकथा जैसे लिखना है। बस यही था मराठी का, इसी तरीके से पेपर आएगा 100%। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।